तो शीट नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 1 किए ट्राई आप लोगों ने? ठीक है, 1 ओके, 2 3 4 5 6 7 8 8 गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम. अ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन इट्स टर्मिनल गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन. तो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस गिवन है 100 ओम, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल का मतलब 1 वोल्ट गिवन है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन. कैलकुलेट शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड ताकि करंट आई कितना मेजर हो जाए, 2. शंट का मतलब एमीटर बनाना है. अब इन दोनों से डिवाइड करके वी डिवाइडेड बाई गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस क्या देगा आपको, गैल्वेनोमीटर का करंट, शंट का फॉर्मूला आंसर. ठीक सर, है, एक बार फिफ्थ क्वेश्चन बता दो. फिफ्थ क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस क्या गिवन है, जी 20 गिव्स अ डिफ्लेक्शन ऑफ 1 डिवीजन व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4 मिली वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स टर्मिनल. तो डिफ्लेक्शन ऑफ 1 डिवीजन मिली वोल्ट, ये डिवीजन पर मिली वोल्ट क्या होते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी. तो वोल्टेज सेंसिटिविटी डिवाइड करो नंबर ऑफ डिवीजन क्या होता है, एल्फा अपॉन वी. तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इस क्वेश्चन में आपको गिवन है. कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ शंट, शंट निकालनी है ताकि आई को मेजर करना है, ये आई है और गैल्वेनोमीटर है 25 डिवीजन्स. अब ये बताओ कि गिव्स अ डिफ्लेक्शन ऑफ 1 डिवीजन व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4 मिली वोल्ट इज अप्लाइड. तो 1 डिवीजन में कितने मिली वोल्ट निकल रहे हैं, 4. हमारे पास कितने डिवीजन है टोटल, 25. तो 25 डिवीजन में वी कितना मेजर किया जाएगा, इसको क्या कर लें, 25 से मल्टीप्लाई, वी आ गया, वी निकाल लेंगे यहां से, इतने वोल्ट मेजर करेगा वी. ठीक है ना, वी आ गया, जी आ गया, डिवाइड करके वी और जी को गैल्वेनोमीटर का करंट आ गया, आई जी आ गया. आई आपको पता है इसकी जरूरत ही नहीं है, शंट की वैल्यू आंसर. ठीक, क्वेश्चन नंबर फाइव यस सर. सिक्स सो सेवन, सिक्स्थ क्वेश्चन भी. सिक्स्थ में सिक्स्थ गैल्वेनोमीटर जिसकी रेजिस्टेंस 40 ओम गिवन है, तो ये क्या गिवन है, जी डिफ्लेक्शन ऑफ 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर. देर आर 50 डिवीजन इन द स्केल. तो वही सेम चीज कि 5 डिवीजन की, 5 डिवीजन का करंट कितना है, 1 मिली एम्पियर. तो एक का क्या होगा, 1 × 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 5. और 50 का क्या होगा, इसको क्या करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई. तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, इतने एम्पियर गैल्वेनोमीटर का करंट आ गया. क्लियर है, शंट पता है, यस सर. करंट आई निकालना है. देखो ना, आई जी आ गया, आई जी आ गया, आई निकालना है, शंट पता है, शंट के फॉर्म में वैल्यू पुट करो आंसर. ओके सर. क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फोर्टीन. गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 8. तो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस जी पता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ आई जी पता है, एम मीटर बनाना है जिसका आई पता है, तो क्या लगेगी, शंट. अच्छा, आगे कहानी कुछ और है. द ओनली, तो यहां से एस तो निकाल ही लेंगे, द ओनली शंट अवेलेबल इज 0.02 ओम विच इज नॉट सुटेबल फॉर दिस कन्वर्जन. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद अ गैल्वेनोमीटर टू गेट एम मीटर ऑफ डिजायर्ड रेंज. अब एक काम करो, अपना शंट निकाल ही लो, पहले शंट निकाल लो. तो शंट की वैल्यू सॉल्व करके आ रही है कोई, शंट की वैल्यू सॉल्व करके आएगी, मालूम नहीं कितनी है, चलो जितनी भी आएगी शंट की वैल्यू निकाल लेना. ठीक है, जितनी भी आएगी.
अब वो कह रहे हैं ये शंट हमारे पास जो अवेलेबल है वो थोड़ी है 0.02, तो इसमें कोई रेजिस्टेंस अगर सीरीज में ऐड कर दें तो ये बननी चाहिए ना, इसमें ऐड करेंगे तभी तो शंट पूरी पूरी बनेगी, कुछ तो ऐड करोगे सीरीज में तभी तो आंसर आएगा। तो कह रहे हैं बोलो फिर आर कितनी ऐड करें, तो निकाल लेना यार माइनस कर लेना 0.02 आंसर, ठीक 15। तो इसके डायग्राम नहीं गिवन है क्या, डायग्राम नहीं गिवन, छोड़ दो इसे फिर फायदा ही नहीं है, रहने दो। 16, 17, टू रेजिस्टेंस कॉइल्स ऑफ 100 एंड 200, तो ये 100 है और ये 200 है, सीरीज में कनेक्टेड है 100 वोल्ट के बैटरी के साथ। अ मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर 200 इज कनेक्टेड इन टर्न, इन टर्न का मतलब बारी बारी, तो पहले वोल्ट मीटर किसके साथ लगा, इसके साथ, पहला क्वेश्चन। तो बताओ वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा, एक काम करो पहले इनको पैरेलल में लगा लो, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो, टोटल करंट निकाल लो, वो करंट से आई इन टू आर निकाल लो, जो वी होगा वो इसका भी वी सेम होगा क्योंकि पैरेलल में करंट, तो वी आ जाएगा। फिर सेम क्वेश्चन यहां से हटा के वोल्ट मीटर को यहां पे लगा लो, फिर नया इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, फिर से वी निकाल लो, दो वी निकालने हैं, पहले मीटर यहां पर फिर मीटर यहां पर, सिंपल, इसमें कुछ है ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। 18, बैटरी जिसकी ईएमएफ 12 वोल्ट है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1.2 है, तो ये 12 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1.2 वोल्ट ओम्स है, तो वो कह रहे हैं करंट सप्लाई किया जा रहा है 48 ओम का, ठीक है 48 ओम के रेजिस्टेंस में। अब वोल्ट मीटर जिसकी रेजिस्टेंस 72 है, 72 ये वोल्ट मीटर है जिसकी रेजिस्टेंस 72 ओम है, इसके साथ पैरेलल में लगाया जा रहा है ताकि ये वी मेजर करे, बोलो कितना वी मेजर करेगा, फिर से इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। पहले तुम दोनों इसको, पहले इन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस लगा लो, लगा लोगे ठीक है, वी पता है, आर पता है, कैपिटल आर, करंट निकाल लो, निकाल लोगे आई इन टू आर से वी निकाल लोगे, जो भी वी यहां होगा वो वी यहां पर भी होगा, डन पैरेलल में आंसर, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग आ गई।